All right guys, this is iPhone 14 between Galaxy S23. So today camera comparison in 2024. तो देखिए गाइस, इस वीडियो को मैं दोनों पर्पस के लिए बना रहा हूँ कि इसमें से कोई भी फ़ोन को आप अगर 2024 में एज ए ब्रांड न्यू डिवाइस लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर प्राइस देखने को मिलेगा, बट अगर सेकेंड हैंड कंडीशन में लेते हैं तो फिर भी 35,000 से लेके 40,000 के बीच में इस दोनों फ़ोन का प्राइस पड़ जाएगा। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा कि यार चलिए इस दोनों फ़ोन के बीच कैमरा कंपेरिजन करके देखते हैं। हालांकि अपने अपने जगह में इस दोनों डिवाइस एक पावरफुल फ्लैक्सिप स्मार्टफोन है, बट गाइस किस फोन का कैमरा क्वालिटी ज्यादा बेहतरीन है, सो इसीलिए मैंने इस दोनों फोन का रियर एंड फ्रंट कैमरे से हर लाइटिंग कंडीशंस में फोटोज एंड वीडियो शूट किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस फोन का कैमरा क्वालिटी ज्यादा बेहतरीन है। तो गाइस हम देरी किस बात की कर रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट गाइस, तो हम सबसे पहले इस दोनों फोन का रियर कैमरे से नॉर्मल शॉट्स लेके देखते हैं कि किस फोन का पिक्चर क्वालिटी ज्यादा बेहतरीन निकल के आता है। सो जैसे कि देख सकते हैं मेरा फ्रंट साइड में अभी सनसाइड है, तो हम इसी का एक मतलब नॉर्मल शॉट्स लेके देखते हैं। तो मैं फोटो ले लेता हूँ। तो गाइस इस बार लेने वाले हैं इस दोनों फोन का रियर कैमरे से पोर्ट्रेट फोटो सैंपल। तो चलिए देखते हैं कि किस फोन का ज्यादा बेहतरीन निकल के आता है। जैसे कि देख सकते हैं मेरा पीछे एक लड़का खड़ा हुआ है, तो हम इसी का एक पोर्ट्रेट फोटो सैंपल लेके देखते हैं। तो हम सबसे पहले लेने वाले हैं 1X पे, क्योंकि गाइस गैलेक्सी S23 से 3X के साथ पोर्ट्रेट सैंपल्स ले पाएंगे, तो उसका भी मैं सैंपल आप लोगों को दिखाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले 1X पे शूट कर लेते हैं। लेने वाले हैं इस दोनों फोन का रियर कैमरे से वीडियो सैंपल्स। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गैलेक्सी S23 से 8K 30fps तक वीडियो शूट कर पाएंगे, तो चलिए हम इसका भी सैंपल्स देख लेते हैं। ऑल राइट गाइस, तो ये रहा iPhone 14 वर्सेस गैलेक्सी S23 का रियर कैमरा वीडियो सैंपल, जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ 4K 30fps पे। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि इस दोनों ही डिवाइस का रियर कैमरे से सिमिलर फीचर्स में वीडियो शूट कर पाएंगे, जस्ट लाइक 4K 60fps, 4K 30fps, 1080p 60fps एंड 1080p 30fps पे। बट गाइस गैलेक्सी S23 का रियर कैमरे से 8K 30fps तक वीडियो शूट कर पाएंगे, जो मेरे को एक एडवांटेज फीचर्स लगा है। साथ ही साथ गाइस आज का डेलाइट काफ़ी ज़बरदस्त है, मेरा सामने ही सनसाइड है, तो चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को डायनामिक रेंज चेक करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि गाइस देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छे से डायनामिक रेंज को कैप्चर कर लेता है, जस्ट लाइक देख सकते हैं। साथ ही साथ गाइस इस दोनों ही फ़ोन का रियर कैमरे में आपको ऑप्टिक इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है, तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा भाग के स्टेबलाइजेशन चेक करके दिखाता हूँ। तो गाइस अभी मैं भाग रहा हूँ एंड साउंड रिकॉर्डिंग हो रहा है इस दोनों ही फ़ोन का इंटरनल माइक्रोफोन से, तो किस फ़ोन का साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेहतरीन है सो आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस मैं बुरी तरीके से भाग रहा हूँ। ओके, तो चलिए इस बार हम थोड़ा सा ऑटो फोकस भी चेक करके देख लेते हैं कि किस फ़ोन का फोकसिंग स्पीड ज़्यादा बेहतरीन है। तो जैसे ही गाइस देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन काफ़ी फास्ट है फोकस को कैप्चर करने में, जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही फास्ट है यार। तो चलिए इस बार हम थोड़ा सा जूमिंग भी टेस्ट करके देख लेते हैं कि वीडियो शूट करते वक्त किस फ़ोन का जूमिंग क्वालिटी ज़्यादा बेहतरीन निकल के आता है। ओके, तो iPhone 14 में ओनली 3x तक ही जूमिंग कर पाएंगे वीडियो शूट करते वक्त, एंड गैलेक्सी S23 में 12x तक जूमिंग कर पाएंगे वीडियो शूट करते वक्त। ओके, तो
फिर भी गाइस इस फोन का जूमिंग क्वालिटी ज्यादा बेहतरीन है, सो देख सकते हैं। डोर वन मेरे को S23 का जूमिंग क्वालिटी ज्यादा बेहतरीन लगा है, सो आप लोग देख सकते हैं। ऑल राइट, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को घूम के दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से पता लग जाए। तो गाइस हम आ चुके हैं एक गार्डन के ऊपर, जैसे कि देख सकते हैं फोर लाइन के बाजू में ही लगा हुआ है बहुत सारा, ठीक है। तो इसमें ना हम थोड़ा सा मैक्रो शॉट्स लेके देखते हैं, तो चलिए वो भी ट्राई करके देखते हैं कि किस फोन का ज़्यादा बेहतरीन निकल के आता है। हम लेने वाले हैं इस दोनों फोन का फ्रंट कैमरे से वीडियोस एंड फोटो सैंपल, सो चलिए देख लेते हैं कि इसमें से किस फोन का फोटोस एंड वीडियो क्वालिटी ज्यादा बेहतरीन निकल के आता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ऑल राइट गाइस, तो ये रहा इस दोनों फोन का फ्रंट कैमरा वीडियो सैंपल जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ 4K 30 FPS पे। तो इस दोनों फोन का फ्रंट कैमरे से सिमिलर फीचर्स में वीडियो शूट कर पाएंगे 4K 60 FPS, 4K 30 FPS, 1080p 60 FPS एंड 1080p 30 FPS पे। साथ ही साथ गाइस अभी मेरा फेस के ऊपर पूरा का पूरा सनलाइट पड़ रहा है, सो उस हिसाब से आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस फोन का कैमरा क्वालिटी ज्यादा बेहतरीन है फ्रंट साइड का। ओके, और साउंड रिकॉर्डिंग हो रहा है इस दोनों फोन का इंटरनल माइक्रोफोन से। तो फिर भी गाइस मैं थोड़ा सा आप लोगों को डायनेमिक रेंज चेक करके दिखा देता हूँ, जस्ट लाइक थोड़ा सा घूम के। जैसे कि देख सकते हैं मेरा पीछे अभी सनसाइड है, तो आप लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है। तो किस फोन का मतलब फ्रंट कैमरा वीडियो क्वालिटी ज़्यादा बेहतरीन लगा है, सो प्लीज़ टेल मी नाउ इन द कमेंट सेक्शन। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि इस दोनों फोन का फ्रंट कैमरे से EIS का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा भाग के दिखाता हूं कि किस फोन का स्टेबलाइजेशन ज़्यादा बेहतरीन है। तो गाइस अभी मैं भाग रहा हूं, एंड मैं एक हाईवे के ऊपर हूं ना, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा गाड़ी चल रहा है एंड गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो किस फोन का स्टेबलाइजेशन ज़्यादा बेहतरीन है, सो देख सकते हैं। ओके, अल्ट्रा वाइड फोटो सैंपल्स। तो आईफोन 14 में -6 डिग्री पे अल्ट्रा वाइड सैंपल्स ले सकते हैं, एंड गैलेक्सी S23 में -5 डिग्री पे अल्ट्रा वाइड फोटोज ले सकते हैं। तो चलिए मेरा कैमरा मैन का ही एक मैं अल्ट्रा वाइड फोटोज में आप लोगों को दिखाता हूँ लेके। ओके गाइस, अभी का मौसम काफी जबरदस्त है, तो गाइस ये रहा अल्ट्रा वाइड फोटो सैंपल। iPhone 14 वर्सेस गैलेक्सी S23 का अल्ट्रा वाइड वीडियो सैंपल जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ 4K 30 FPS पे। ऑल राइट, तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि इस दोनों ही फोन का अल्ट्रा वाइड कैमरे से सिमिलर फीचर्स में वीडियो शूट कर पाएंगे, जस्ट लाइक 4K 60 FPS, 4K 30 FPS, 1080p 60 FPS एंड 1080p 30 FPS पे। ओके, तो ओवरऑल गाइस अल्ट्रा वाइड वीडियो क्वालिटी किस फोन का ज्यादा बेहतरीन लगा है आप लोगों को, सो टेल मी नाउ इन द कमेंट सेक्शन।
एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी के टाइम में खास करके ब्लॉगिंग करने के लिए किस फोन का कैमरा क्वालिटी ज्यादा बेहतरीन है, सो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं अभी साउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इस दोनों ही फोन का इंटरनल माइक्रोफोन से, तो ब्लॉगिंग करते वक्त साउंड क्वालिटी किस फोन का ज्यादा बेहतरीन निकल के आएगा, सो आप लोग सुन पा रहे होंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक हाईवे के ऊपर हूं ना, इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों को नॉइस ज्यादा सुनने को मिलेगा, बट कोई नहीं गाइस, फिर भी आप लोग मतलब अंदाजा लगा सकते हैं। ओके, और दोनों ही फोन का कैमरे से अल्ट्रा वाइड में वीडियो शूट करते वक्त मतलब ऑप्टिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी काम करता है। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा भाग के वो भी चेक करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए कि आप अगर ब्लॉगिंग करते हैं तो उस टाइम अगर भागते हैं तो किस फोन में ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा, सो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को डायनेमिक रेंज भी चेक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि गाइस वो भी बहुत ज्यादा काम का चीज होता है। तो जैसे कि देख सकते हैं, तो किस फोन का ज्यादा बेहतरीन लगा है, सो प्लीज मेरे को बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि गैलेक्सी S23 से 3X मतलब ऑप्टिकल जूमिंग के साथ मतलब वीडियो भी शूट कर पाएंगे, जो देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। बट अभी दोनों ही फोन में ONX पे शूट हो रहा है। आपको iPhone 14 में सिनेमैटिक मोड देखने को मिलता है एंड पोर्ट्रेट मोड आपको S23 में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो गाइस अभी साउंड रिकॉर्डिंग हो रहा है इस दोनों फोन का इंटरनल माइक्रोफोन से, तो मैं थोड़ा सा लोगों को एज डिटेक्शन मतलब किस फोन अच्छे से कैप्चर कर पाता है वो चीज दिखा रहा हूं। थोड़ा सा चल के मैं जा रहा हूं और सनसाइड जो है वो मतलब जान चुका है, फिर भी गाइस वीडियो क्वालिटी किस तरीके का है सो देख सकते हैं। तो एज डिटेक्शन किस फोन अच्छे से मतलब कैप्चर करता है ये बात हो गई एंड किस फोन का ज्यादा बेहतरीन लगा है। गाइस दिस इज द पोर्ट्रेट वीडियो सैंपल फ्रॉम गैलेक्सी S23। तो इस फोन का रियर कैमरे से 3x ऑप्टिकल जूमिंग के साथ पोर्ट्रेट वीडियोस ले पाएंगे। तो एक्चुअली गाइस काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा है मेरे को, ऐसा लगता है कि DSLR से शूट हो रहा है। ट्रस्ट मी गाइस, इतना जबरदस्त लग रहा है, मेरे को तो काफी अच्छा लगा है। सो आप लोगों को कैसा लगा है सो प्लीज टेल मी नाउ इन द कमेंट सेक्शन। एंड अभी जो साउंड रिकॉर्डिंग हो रहा है इसी फोन का इंटरनल माइक्रोफोन, ऑल राइट। और गाइस अभी जो है ना काफी ज्यादा मतलब सनलाइट पड़ रहा है मेरा बॉडी के ऊपर, तो उस हिसाब से थोड़ा सा रेड टोन दिखाई दे रहा है। तो मैं चल के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को एज डिटेक्शन का मतलब अच्छे से पता लग जाए। तो अभी मैं एक हाईवे के ऊपर हूँ ना, इसी मतलब गाड़ी बहुत सारा चल रहा है तो उस हिसाब से दिक्कत भी हो रहा है। तो ये अभी मैं चल रहा हूँ तो एज डिटेक्शन कैसा है कैसे देख सकते हैं। तो ओवरऑल गाइस मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा।